नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविंद्र सचान, और आज बात जम्मू कश्मीर और वहां के जमीनी हालात की। पिछले महीने संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर और सरकार के प्रयासों के बाद अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया, और उसके बाद एहतियातन वहां पर कुछ पाबंदियां लागू की गई। और अब एक महीने से ज़्यादा वक्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, क्या वहां की तस्वीर है, किस तरीके से वहां जनजीवन है और क्या सब कुछ सामान्य है, इसको लेकर मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें और तस्वीरें सामने आती रही हैं। और इसीलिए राज्यसभा टीवी ने तय किया कि हम अपने कार्यक्रम के जरिए उन पत्रकारों को शामिल कर वहां के ज़मीनी हालात और हकीकत को समझने की कोशिश करें जो वहां से लौटे हैं। और ऐसे ही चार पत्रकारों के जरिए हम समझेंगे कि असल में पिछले एक महीने से ज़्यादा वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में आज हालात क्या हैं, क्या वहां पर परेशानियां देखी, किस तरीके से लोगों का रवैया है, और वहां पर प्रशासन को क्या दिक्कतें आ रही हैं, या फिर कितना रास्ता आगे के लिए विकास का जो एजेंडा है उसे लागू करने की तरफ बढ़ते हुए कदम नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ जो चार मेहमान मैं कहूँ हैं, वो चारों ही पत्रकार हैं और चारों ही जम्मू कश्मीर का दौरा कर लौटे हैं। हितेश शंकर हमारे साथ हैं, एडिटर हैं पांचन से, स्वागत है हितेश आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राकेश आर्य हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है राकेश जी। और कृति मिश्रा हमारे साथ हैं और संवाददाता राज्यसभा टीवी में, और स्पेशल वहाँ पर गई थी और वहाँ पर उन्होंने देखा, उसकी रिपोर्टिंग भी की है। आप चारों का स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा हितेश आपसे कि 6 अगस्त जब राज्यसभा में वो प्रस्ताव आया और 7 तारीख को लोकसभा के बाद, अब जब हम आज बात कर रहे हैं और आप जब वहाँ पर गए, जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी सुनी, मैं कहूँ अखबारों के ज़रिए, पत्रकारों के ज़रिए, सोशल साइट्स पर, और जब आप उतरे कश्मीर पर, किन किन इलाकों में गए, और क्या एक बड़ा बदलाव उन तस्वीरों में दिख रहा था या कमोबेश तस्वीरें वही थी जो हम दिल्ली में बैठकर देखते रहे? देखिए कविंद्र, ऐसा है कि अभी कल रात को मैं वहाँ से लौटा हूँ, परंतु पहले भी मैं कश्मीर जाता रहा हूँ। इस बारे में तो दो राय नहीं है कि कश्मीर एक लंबे समय से और एक तनाव के बीच से गुजर रहा है, मगर अगर पूरे सूबे की अगर स्थिति देखें तो ये टेंशन जम्मू में इस तरीके का नहीं दिखता, लद्दाख में उस तरीके का नहीं रहा है, परंतु अभी जब से ये फैसला हुआ उसके बाद से जम्मू में सामान्य स्थिति अभी है। लद्दाख में अगर आप कहें कि एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद जो उत्साह का माहौल है, हमारे कुछ पत्रकार साथी वहाँ भी गए थे, 7-8 अच्छे उन्होंने बड़े वीडियो शूट करके भेजे, तो वहाँ पर एक अलग तस्वीर दिखती है। मगर जब आप श्रीनगर में हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि कुछ बंधन थे, अनकहे बंधन, वो बंधन तो टूटे हैं, परंतु तनाव, अनकहा तनाव, एक चुप्पी वहाँ पर है। मगर इस चुप्पी को सिर्फ ये मान लेना कि सेपरेटिस्ट की आवाज़ है, ये शायद गलत होगा। मुझे लगता है कि लोग मुख्यधारा में आने के लिए जितना थोड़ा समय लगेगा वो, परंतु अभी सेपरेटिस्ट का कहा अनकहा खौफ जो है वो पीछे से काम कर रहा है कि शायद कुछ बड़ी वारदात कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें। बाकी जो अगर आप जनजीवन देखेंगे तो लोग हंसते खिलखिलाते भी मिलेंगे आपको, खेलते हुए भी मिलेंगे, वो शाम को निषाद बाग में घूमने के लिए महिलाएं जाती हुई बच्चों को भी मिलेंगी। ये वो तस्वीरें हैं जिसके बारे में अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं हो रही थी। अगर आप शाम को जाएंगे निषाद बाग में, वहाँ लोग दिखेंगे, डल झील के किनारे, ये सही है कि टूरिस्ट नहीं है, मगर तल्लीनता से मछली पकड़ते हुए लोग मिलेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो वो कि आगे आप देखते हैं क्या होता है, इतना तो हुआ ठीक है। तो मुझे लगता है कि अलगाववाद को एक गहरी चोट लगी है, अभी उसकी ताकत कितनी है ये लोग तोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सकुचाकर बोल रहे हैं। और कुछ तस्वीरें भी मैं चाहूँगा कि हम आपको दिखाते रहें दर्शकों को, जो कि इन पत्रकारों ने जब वहाँ पर गए, इन्होंने अपने कैमरों के ज़रिए, सेलफोन के ज़रिए वहाँ से खींची। और ये तस्वीरें इसलिए दिखानी ज़रूरी है कि इन लोगों के अगर हम आंखों से देखें तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में किस तरीके की तस्वीर सुबह शाम या दोपहर या दिन में नज़र आती है। हर्षवर्धन, मैं अब आना चाहूँगा आम पब्लिक के नज़रिए से। जब दिल्ली में हम बैठते हैं और पेपर, सोशल साइट्स और बहुत सारे मंच हैं और आप उसमें लगातार सक्रिय भी रहते हैं, बंदिशों की बात आती है, लोग यहाँ तक कहते हैं कि परमिशन लेनी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट से जाने के लिए, हालात सामान्य नहीं है, फ़ोन नहीं लग रहा है, इंटरनेट सेवाएँ
डाउन है। हालांकि सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के दावे करीब करीब 95% इलाकों में, और आज की जो खबर है कि करीब 100% इलाकों में सब कुछ सामान्य वो बंदिशें हटा ली गई हैं। क्या कुछ हकीकत में आपने वहाँ पर देखा अगर इन बंदिशों की बात करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली से बैठ के हम जैसे श्रीनगर को देखते हैं वैसा तो श्रीनगर नहीं है। और हम अगर ये कहेंगे, आप मुझसे पूछेंगे कि हालात सामान्य हैं क्या, तो मैं कहूँगा कि अगर मुहर्रम के दिन भी कोई लड़की 18-20 साल की, 22 साल की लड़की, वो खुद अपनी स्कूटी से डल लेक के किनारे या किसी भी इलाके में घूमती हुई नज़र आ जाए, तो मैं उसे हालात सामान्य कहूँगा। लेकिन दिल्ली का सामान्य और श्रीनगर का सामान्य, ये हमें फ़र्क समझना पड़ेगा। एक ऐसा इलाका जहाँ पिछले 7 दशक से मोटा मोटा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहाँ कोई कोशिश बाकी नहीं है, एक पूरा का पूरा मुल्क लगा हुआ है, दुनिया की कितनी एजेंसियाँ लगी होंगी हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि आम लोगों के नज़रिए से क्या है, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ कि आप ऑफिस आते हुए रोज़ परेशान होते होंगे कि ITO का जाम क्या है, तो आप डल गेट से निकल के जाइए डाउनटाउन की तरफ। आपको लगता है कि अगर श्रीनगर की सड़कों पर सारी दुकानें बंद हैं, तो आप देखिए कि उस दुकान के बगल में एक लड़का बैठा हुआ है जो आप कोई सामान आपको चाहिए वो खोल के दे रहा है और फिर शटर डाउन कर रहा है। तो ये बहुत साफ तस्वीर है, मतलब इसमें कोई भी छिपाने वाली बात नहीं। आप अगर कैमरा लेके खोल देंगे, वहाँ ओपन कर देंगे, रिकॉर्डिंग करने लगेंगे, तो उसके स्वर वही होंगे जो हमें बहुत लंबे समय से, कैमरा बंद कर देंगे तो वो बोलेगा 370 तो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारा फ़ोन कब खोलोगे, मुद्दा ये है कि हमारी पढ़ाई कब शुरू होगी, मुद्दा ये है कि जिन नेताओं ने हमारे हक छीन लिए थे वो हमें कब वापस मिलेंगे। और एक बड़ी चिंता है जिसको लेके मुझे लगता है कि कल जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ कई क्लेरिफिकेशंस आए हैं, एक क्लेरिफिकेशन उन लोगों को जाना चाहिए जो शायद बार बार ये कोशिश होती है, और कुछ लोग जो कहते हैं ना कि उम्मीद वाले लोग भी वो चाहते हैं और आशंका वाले उसको चाहते हैं कि उसी को भड़का दें, कि उनके जो हक हैं, उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो हिस्सेदारी है, वो कम नहीं होने वाली है, देश के साथ जुड़कर वो बढ़ी है, इतना हम लोग चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज जो वहां रहते हुए जो समझ में आया, डर वहां की फिजा में नहीं है। जो कम से कम अभी कुछ समय पहले तक कहें तो डर जो था वो डर नहीं है। और श्रीनगर में जो अधिकतम सामान्य किसी भी दौर में रहा होगा 89-90 के बाद, वो सामान्य स्थिति श्रीनगर की सड़कों पर मुहर्रम के दिन भी थी और आज भी है। कृति, क्योंकि अलग अलग, मैं कहूँ कि पॉकेट्स में अगर हम देखें और अलग अलग वर्गों के साथ, जब मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ, समाज के उम्र के लिहाज से बच्चे हों, बुजुर्ग हों, यूथ हों या फिर महिलाएं हों, आपका इंटरेक्शन महिलाओं के साथ भी हुआ, जो कि हर्षवर्धन कह रहे हैं कि असल में 370 के कुछ प्रावधानों को हटाने के बाद जिस तरीके से एक जो खामोशी इस वक्त जो आप पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वो दिखती है, आपने इसके अलावा आम पब्लिक का जो नज़रिया है इसे हटाने को लेकर, या सामान्य जो माहौल है, जो उनके हक हैं या विकास की धारा है उसे जुड़ने को लेकर क्या महसूस किया? जी कवि, देखिए, पहले तो जो त्रिपाठी जी ने कहा कि एक कहीं ना कहीं फेक नैरेटिव, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा रहा कि 370 खत्म हो जाने के बाद आपकी जो ज़मीन है उसको हथिया लिया जाएगा, आपका जो मालिकाना हक है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वो सबसे बड़ी एक चुनौती मैंने ग्राउंड पे देखी। और देखा हमने कि लगातार किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर इंडियन आर्मी हो, वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से 370 का जो रेवोकेशन हुआ है वो कैसे वहाँ पर लोगों को बेनिफिट करेगा। देखिए, कई महिलाओं से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ जो बहुत अवेयर थी अपने राइट्स को लेकर, और उन्होंने ये वेलकम किया इस एब्रोगेशन को। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बिजनेस कम्युनिटीज़ थी जिससे मेरा इंटरेक्शन हुआ, और उनका यही कहना था कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो बाकी जगह के बिजनेसमैन को अवेलेबल थी और वो जम्मू कश्मीर में नहीं थी, वो अब उनको मिलेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से देखिए एक पोस्टर वॉर चल रहा है, कहीं ना कहीं जो डर और जो कामनेस का हम वो देख रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं मिलिटेंट्स की वजह से मानूंगी, क्योंकि लगातार वो कुछ ना कुछ पोस्टर डाल देते हैं कि आपको अपनी दुकान नहीं खोलनी है, आपको अपनी गाड़ियाँ बाहर नहीं निकालनी है, आपको अपना शटर बंद रखना है। तो ये सारी जो धारणाएं हैं उसको तोड़ते हुए जो आम कश्मीरी नागरिक है वो आगे बढ़ रहा है। एक जो आइसोलेशन रहा है इतने सालों का, क्योंकि लोगों ने कहा कि 370 उनके लिए मुद्दा नहीं था, और जैसा कि त्रिपाठी जी ने भी अभी बताया कि फ़ोन कब खुलेगा, इंटरनेट कब आएगा, हम आना जाना कब शुरू करेंगे, वो एक बड़ा मुद्दा है। और हमने देखा भी कि किस तरह से जो स्थिति है वो अब नियंत्रण में है, और कई जगह लैंडलाइन चालू हो चुके हैं और कई जगह जो पोस्टपेड हैं वो भी चालू हो चुके हैं। तो बेसिकली एक जो आइसोलेशन का मुद्दा था उसको खत्म करने की कोशिश की गई है, और कहीं ना कहीं कश्मीरी भी इस बात को समझ रहे हैं। राकेश जी, क्योंकि जब हम 370 के प्रावधानों के बाद और विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने के बाद देखते हैं,
और एक महीने से ज़्यादा वक्त के बाद दो बड़ी चीज़ें थी जो कि इससे पहले मैं कहूँ कि 6 अगस्त और 7 अगस्त से पहले के जो हालात थे, एक अलगाववाद की विचारधारा और उसमें कुछ ऐसे संगठन या लोग जो कि उकसाने का काम करते थे, और दूसरा यूथ, इन दोनों पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण की बात सबसे बड़ा चैलेंज दिखती थी। वो किस तरीके से नज़र आ रही है इस नए हालात में और कितनी सफलता वहाँ पर हमें मिलती दिखती है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पूरा जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में एक बड़ा दुर्भावनापूर्ण एक नैरेटिव जो बनाकर रखा हुआ था, हम लोग भी दिल्ली में बैठ करके उसके शिकार। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं, हकीकत देखते हैं, तो वो दूसरी है। वहाँ कुछ समस्याएं हैं, कुछ वहाँ की हकीकत अलग है। जैसे हम लोग अलग अलग सेक्शन में जाकर के बात की, महिलाओं से भी बात की, स्टूडेंट से भी बात की, वहाँ की माइनॉरिटी से भी बात की। इवन है कि हम लोग डाउनटाउन के जो बहुत इंटरनल जो इलाके हैं वहाँ उन लोगों से भी बात की, तो वहाँ अलग अलग तस्वीर है। धारा 370 को लेकर के उनके मन में एक ये है बेचैनी कि ये सब हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखेंगे तो एक उनके अंदर एक उम्मीद की किरण है। उनको भी लगता है कि हाँ, कुछ रास्ता बनता दिखेगा। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि नौजवानों के बीच में जो एक नया वो आया है, ऐसा नहीं है कि एकदम नेगेटिव वो है। नेगेटिव जो थॉट है वो वहाँ की लीडरशिप के खिलाफ है, और इसे मैं थोड़ा सा पॉजिटिव मानता हूँ कि कम से कम उनको मुख्य धारा में जुड़ने का एक पॉजिटिव रास्ता मुझे वहाँ नज़र आ रहा है। तो जहाँ तक लोगों की समस्याएं हैं, जो बात हैं, उनको एक इस प्रकार का भय तो है कि हाँ भैया, ज़मीन का क्या होगा, हमारा जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन ये सब उनका जो नाराज़गी है वो वहाँ की प्रेजेंट लीडरशिप के खिलाफ है। लेकिन ये नाराज़गी कहीं भारत सरकार के खिलाफ नज़र नहीं आती, भारत के खिलाफ नज़र नहीं आती। तो जो वहाँ एक फॉल्स नैरेटिव ये, आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भारत सरकार के खिलाफ नहीं है। 70 सालों की भारत सरकार के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है, और इस सरकार पे भरोसा बनाना ही ये प्रक्रिया चल रही है। इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनका भारत, उनको ये बहुत साफ लगता है कि जो आज़ाद भारत हुआ, जब हमारा भारत से एक टुकड़ा पाकिस्तान में निकला, कश्मीर से भी बट के एक और कश्मीर पे जबरी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो हमारे साथ बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हुई। लेकिन ये भी वो मानते हैं कि हमारी भावनाओं के साथ लगातार दिल्ली में बैठी सरकारों ने खिलवाड़ किया है। ये महसूस तो उनको लगता है। वो देखिए, उनको क्या लगता है कि जो हमारी प्रेजेंट लीडरशिप थी, चाहे वो मुफ्ती या फारूक, इन लोगों ने हमको चिट किया है एक तरीके से। तो उनको ऐसा लगता है कि एक नया यूथ के अंदर एक ये है, कभी कोई नई लीडरशिप आनी चाहिए और वो इस कश्मीर को संभाले, वो यहाँ की समस्याओं को देखे। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। एक चीज़ जो, क्योंकि मैं बार बार यूथ, क्योंकि यही एक बड़ा वो सेगमेंट मैं कहूँ आयु वर्ग का है, जिसको लेकर मीडिया में, सोशल मीडिया में तमाम तरह की खबरें उसकी विचारधारा को लेकर, उसकी नाराजगी को लेकर पेश की, चाहे वो फॉरेन मीडिया हो या फिर हमारे देश का भी मीडिया का कुछ हिस्सा रहा हो, उसको लेकर आप लोग ने, आपने किस तरीके से समझा उनके विचारों को, और जो एक जुड़ाव की बात, एक विकास की मांग या फिर इच्छा जो प्रबल होती दिखती थी, उसकी तरफ वो किस तरीके से जाता हुआ बढ़ना चाहता है? देखिए, इसमें कविंद्र, हम जब लोग गए, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का डेलीगेशन था, अलग अलग वरिष्ठ पत्रकार थे उसमें, और जब अलग अलग वर्गों से मिल रहे थे, तो आपने जिस यूथ की बात की, उसमें 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों से लेकर और रोजगार की तलाश में लगे हुए 40-45 साल के लोगों से हमने बात की। इसमें खास तौर से ऐसे छात्र भी थे कि स्टोन पेल्टिंग हाँ हमने की है, चेहरे पर पत्थर बांध के की है, मगर क्यों की है? क्योंकि और कुछ काम नहीं है। आज वो लोग ये भी कहते हैं कि उन्हीं के बीच में कुछ छात्र हैं जिन्होंने अपने कॉलेजेस में वर्कशॉप्स की कि स्टोन पेल्टिंग नहीं करनी है। ये वाली खबर कभी नहीं आती है कि कश्मीर के यूथ में भी दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो खाली कुछ काम नहीं है तो इसलिए पत्थरबाज बने, दूसरे वहीं का यूथ उसका अपोज कर रहा है और वहां पर पूरी मुहिम चला रहा है, उसमें अगुवाई कर रही हैं लड़कियां उनकी। तो ये कहानियां देखकर लगता है कि हाँ, यूथ के फ्रस्ट्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। वहाँ पर कोई एक अच्छा कायदे का आपको ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जहाँ पर युवक युवतियाँ खुले माहौल में बैठ सकें, जैसे आपको बाकी किसी भी महानगर में मिलता है, ऐसा जम्मू कश्मीर की राजधानी में आपको नहीं मिलता था। सिनेमा हॉल कोई नहीं था,
खेलने की कुछ सुविधाएं नहीं थी। अभी वहां पर एक टीम को अच्छा स्पॉन्सर मिला तो उसके बाद से उसने जब कमाल किया तो 25,000 लड़के लड़कियां उनका मैच देखने के लिए पहुंचे थे, हौसला अफजाई के लिए पहुंचे थे और उन्होंने मोहन बगान को हराया और बड़ी बड़ी टीमों को हराने का कमाल दिखाने का जज्बा भी उनमें है और उनको अप्रिशिएट करने वाले लोग, 1-47 की बात नहीं है, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए वहाँ का यूथ है, मगर वो अच्छी चीज़ें कहाँ हैं वो यही तलाश करते हैं। दूसरा एक बहुत दिलचस्प बात है, किसी राजनेता के खिलाफ उसे टिप्पणी ना माना जाए मगर कश्मीर के यूथ की अगर आवाज़ कहें तो उन्होंने कहा कि नज़र बंद करें, चाहे जम्मू कश्मीर को लूटने खसोटने वालों से, इसके साथ अन्याय करने वालों को जो सज़ा होती है कड़ी से कड़ी सजा दें, मगर उन लीडर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा व्हाट्सएप। तो ये अगर आप कहें तो पॉलिटिक्स वहाँ उसका क्षय कितना हुआ है, राजनीतिक भरोसे का क्षय कितना हुआ है, लोगों की ज़रूरतें किस तरह से बढ़ी हुई हैं। दूसरी बात कि दुनिया का सबसे जवान मुल्क हम कहते हैं भारत को, आपको एक एक युवा देश की आवश्यकताएं ज़रूरतें भी समझनी पड़ेंगी। युवाओं ने आपसी बातचीत में कहा कि हमारी मित्रता बहुत गहरी थी, युवक युवतियों की बात होती है सारी चीज़ें, तो उन्हें लगता है इतने दिन फ़ोन बंद रहेगा तो कैसे, वो कहते हैं इंटरनेट बंद कर दो हमारा फ़ोन तो चलाओ। आप ये कहिए कि रोज़गार की बात कर रहे हैं, कुछ युवाओं को ये अंदेशा था कि हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है, हम रिजल्ट नहीं देख पाए तो क्या कर पाएंगे हम। हमने गवर्नर साहब से इसके बारे में बात की तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं का एक भी दिन जाया नहीं जाने देंगे और इस बारे में जल्दी अखबारों में इश्तिहार आएंगे, मगर क्योंकि जिस समय थोड़ी सी ढिलाई देने की कोशिश की उसी समय फेक न्यूज़ की बाढ़ आई थी, इसलिए इंटरनेट को रोकना ज़रूरी है और कुछ समय के बाद फ़ोन को मोबाइल फ़ोन को चालू कर दिया जाएगा, लैंडलाइन फ़ोन सारे चालू कर दिए हैं वहाँ पर, तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मददगार के नाम से एक ऑपरेशन चल रहा है, सद्भावना मिशन चल रहा है, तो और कुछ लोगों के पास जिनके पास लैंडलाइन है, आजकल लैंडलाइन सबके पास है नहीं, ये दिक्कत है, मगर फिर भी जितने लैंडलाइन है वो लोगों को आपस में सहयोग कर रहे हैं, तो इसलिए कम्युनिकेशन की जो दिक्कत दिखाई देती है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो पाने के कारण एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि एक मोबाइल का एडिक्शन हम जानते हैं कि सबको है, तो उतनी छटपटाहट है। मगर इसके साथ अगर जो जो चित्र आप हम जो लेकर आए हैं आपने देखा होगा, एक तो फ्ली मार्केट जिसे हम कहते हैं, जो भी स्थानीय बाज़ार लगता है, स्थानीय बाज़ार जो शटर से बंद नहीं हो सकता, लोग आते हैं सामान सजाते हैं और बेचते हैं। दूसरा पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स जो कि कुछ समय के बाद ख़राब हो जानी है, सेब हैं, संतरे हैं, केले हैं, फल, अंडे, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उसी तरीके से पेरिशेबल गुड्स का मार्केट भी लग रहा है, फ्ली मार्केट भी लग रहा है। ये बताता है कि वहाँ संदेशा कुछ और है, आधे शटर उठाकर लोग बैठे हुए हैं, 3-4 वहाँ पर बात कर रहे हैं, ज़रूरत का सामान निकाल कर देते हैं। और वो जो बात है कि कैमरा देखने पर और कैमरे के बिना, दोनों के रिएक्शंस अलग हैं, क्योंकि कैमरे में अगर एक बार अलगाववादी देख लेंगे तो हो सकता है माँ के साथ कुछ बुरा बर्ताव हो, बूढ़े पिता के साथ बुरा बर्ताव हो, रिकॉग्नाइज हो जाएंगे उनके चेहरे पहचान जाएंगे, कैमरा देखते ही बिदकने वाला स्वभाव है, मगर कश्मीर आज बिदक नहीं रहा है, वो शांत होने की कोशिश कर रहा है और हमेशा आता था स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है, आज मैं कहूँगा कि तनावपूर्ण नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। मैं कहूँगा कि वहाँ सड़क पर निश्चिंतता का भाव, एक महिला 3 साल के बच्चे का हाथ पकड़ के सड़क पर आराम से जा रही है, इससे बड़ा निश्चिंत भाव किसी भी शहर में नहीं हो सकता। 3 साल के, 2 साल के स्कूटी चलाते हुए, मतलब महिलाओं का मूवमेंट इतना ज़्यादा देखने को मिला, ये हम कह सकते हैं कि शहर में कोई भय नहीं है, कोई आतंक नहीं है, निश्चिंतता का भाव है। ये मुझे लग रहा है एक फेक नैरेटिव बनाया गया है। और इस मैं कह रहा हूँ ना, मैं अभी 2 महीना पहले गया था, मेरे अंदर बहुत डर था कि मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, लेकिन मैं गया, आराम से रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और अभी भी हमको ऐसा लग रहा था अभी तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, लेकिन हम गए तो हम तो देख करके ही दंग रह गए कि जिस शहर में सुबह झाड़ू लग रही हो, सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहे हों, और हमने देखा कि आराम से और इतना क्लीन सड़कें, और उसके बाद मूवमेंट भी देखा, उसके बाद लोग आते जाते लोग देखे, और फिर जिस शहर में पटरी का बाज़ार लग रहा हो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि श्रीनगर के डाउनटाउन, हम लाल चौक से निकले और जैसे ही निकल करके बाहर की तरफ आए तो पूरा का पटरी का बाज़ार पूरा लगा हुआ, और पटरी के बाज़ार में केवल दुकानदार नहीं बैठे, ग्राहक भी हैं, पब्लिक की भीड़ भी है। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि वहाँ आवाजाही में कोई दिक्कत है। जैसे मेरे से आज कई 2-3 पत्रकारों के फ़ोन आए, करे भाई तो आपको कर्फ्यू पास लेना हुआ लेना पड़ा होगा, आपको बड़ी दिक्कत हुई होगी, कैसे गए होंगे, हमको तो कुछ नहीं। मैं इसी पर आना चाह रहा था, क्योंकि हर्षवर्धन जब हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में देखते हैं खबरों में, मीडिया में जो
तमाम तरह की खबरें आती हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त मांग रहे हैं मिलने जाने के लिए, वहाँ पर पहुँचने के लिए, माता पिता से बात करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। एक ये स्थिति दिल्ली में बैठकर दिखती है, मैं इसको समझना चाहूँ कि ये स्थिति वाकई काल्पनिक कितनी है, हकीकत से दूर कितनी है, हकीकत के करीब कितनी है। देखिए मैं इसमें दो तीन चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि हम लोग तो खैर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर बड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपकी आँख कान नाक खुली हों तो समझ में आती हैं। और ये मैं जो बोल रहा हूँ इसको कोई भी रिकॉर्ड में चेक कर सकता है। हम जिस फ्लाइट से गए उसकी ऑक्यूपेंसी थी 60-70% के बीच। मुहर्रम के दिन की फ्लाइट की ऑक्यूपेंसी है दिल्ली से श्रीनगर के लिए 60-70% के बीच। हम जिस फ्लाइट से लौटे हैं उसकी ऑक्यूपेंसी है 90-100% के बीच। यानी मुझे लगता है कि अगर 100 सीटें थी तो 95 भरी हुई थी, आप इस तरह से मान लीजिए। और जब हम उतरे हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर, और उसके ढेर सारी तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन जो सुबह 7-8-9 बजे किसी भी शहर के चौराहों पर जिस तरह से लोग इकट्ठा होते हैं, जिस तरह से चौराहेबाजी करते हैं, जिस तरह से लड़के बैठे होते हैं, लेकिन ये सब दिख क्यों रहा है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको शायद जिसकी चर्चा मीडिया में होती नहीं है और होगी भी नहीं। एक लाइन मुझे पकड़ में आई ऐसे ही ढेर सारे लोगों से बात करते हुए, किसी ने कहा कि इस बार सरकार ने बड़ा सख्त इंस्ट्रक्शन दिया है। तो मैंने कहा क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन ये दिया कि आखिरी दम तक किसी को कुछ कहना नहीं है। तो आपको जो ये 6 अगस्त से 6 सितंबर और आज हम लोग 12 तारीख को बैठे हुए, तो ये जो हालात बदले दिख रहे हैं उसमें आपको दो लोगों का, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में सैनिक बल और सैनिकों के साथ, जो इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको किसी भी हाल में उनको बहुत ज्यादा दबाना नहीं है। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा होता था तो डंडे मार के भगा देते थे, ये शुरुआती दिनों की बात। और आप सोचिए कि अगर एक बार, दो बार, तीन बार ये हुआ तो चौथी बार उस नौजवान को ये समझ में आया, और ये हम लोगों ने बहुत साफ देखा, तो उन्होंने कहा कि ये इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि उनका दिल जीत लेना है। ये हम लोग बहुत, ये एक लाइन में बात आई तो मुझे पकड़ में आई। और हम लोग जब घूम रहे थे तो बाकायदा चेक पोस्ट लगी हुई, हम ये नहीं कि श्रीनगर दिल्ली जैसा खुला नहीं है, आप जाएंगे तो आपको हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आपको चेक पोस्ट मिल रही है, सिपाही खड़ा हुआ है वहां, वो अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ है, सेना भी कहीं कहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे ज्यादा, उसी का डिप्लॉयमेंट ज्यादा है, आर्मी तो आउटर एरियाज में, लेकिन वो न किसी को रोक रहे हैं न किसी को कुछ कह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए हैं कि जैसे एक चीज है ना कि बुरहान वानी मरता है, 84 दिन कश्मीर बंद होता है घाटी, और 40-50 लोगों की जान चली जाती है कश्मीरियों की। और आज इतना बड़ा फैसला, ये ऐतिहासिक फैसला है, दुनिया देख रही, पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत लगा चुका है, अलगाववादी पूरी ताकत लगा रहे हैं, एक जान नहीं गई है, और ये रिकॉर्ड में, ये आपको कश्मीरी बताएगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव है, तो शायद नजरिए में बदलाव है। जान से बड़ी बात यह है कि पूरे इस एक महीने के दौर में गोली भी नहीं चली है, सेना की ओर से भी, पुलिस की ओर से भी, कहीं कोई मैन हैंडलिंग नहीं हो रही, ये बहुत बड़ी बात है। कृति एक चीज़ और, मैं क्योंकि वक्त कम है, जिस तरीके से ये बदलाव दिख रहा है, जैसा कि आप चारों बता रहे हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती एक जनता के सामने और दूसरी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने है, और आप काफ़ी लंबा अरसा आपने गुजारा वहाँ पर, सुरक्षा बलों से लेकर आपने सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की, किस तरीके की जो दिक्कतें थी सुरक्षा बलों के सामने, खास तौर पर वहाँ पर जनजीवन या जो जो चीज़ें थी, एक तरफ आतंकवादी अलगाववादियों से निपटना, आम जीवन जनजीवन को सामान बनाना, उनका चैलेंज पहले से कितना कम हुआ है, कितनी राहत उन्होंने अब महसूस की? देखिए अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, चाहे वो आर्मी हो या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, एक जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया था सरकार की तरफ से, चाहे वो अकोमोडेशन को लेकर हो, क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हुई उनके खाने को लेकर, हम उनका अकोमोडेशन भी देखने गए, तो जिस तरह से ये 5 अगस्त की प्लानिंग थी उसके पहले ही कहीं ना कहीं शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने, शायद आर्मी ने, या शायद सरकार की तरफ से जिस तरह का भी इंस्ट्रक्शन गया होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी उनके लिए बहुत ही एक बेहतर कर दिया गया था, उनके रहने की सुविधा से लेकर उनके खाने से की सुविधा तक। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज सामने नहीं बताया। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक एक नया मैंडेट जो सामने आया है, अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं, तो लोगों को बताने का कि 370 के फायदे क्या हैं, उन तक पहुंचने का, ऑपरेशन सद्भावना बहुत लंबे समय से इंडियन आर्मी करती आई है, इस बार मैंने ग्राउंड पर जाके देखा, चाहे मैं जम्मू में बोलूं या फिर कश्मीर में बोलूं, जो स्कूल्स हैं उनके, जो वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, युवाओं के लिए उन्होंने जिम खोल रखे हैं, उनका उन तक जाकर बताना, पहुंचाना, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप है। हम ये जो एक्रिमिनिस्ट रिलेशनशिप जो हम मीडिया में देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज
और कश्मीरी आवाम के बीच में, वैसा मुझे ग्राउंड पर नहीं दिखा, क्योंकि मुझे, मेरे साथ कई सारे सीनियर ऑफिसर्स थे और उनका जो एक 1-to-1 रैपो था वहाँ के युवाओं के साथ या फिर वहाँ की महिलाओं के साथ, वो काबिले तारीफ था। और साथ ही साथ जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लोगों को बता रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी छाप छोड़ता है। हितेश, एक आखिरी मैं चाहूँगा जवाब दर्शकों के नज़रिए से, आप लोग जब गए सरकारी हेलीकॉप्टर या सरकारी विमान की सुविधा के साथ तो नहीं गए, और नहीं, क्या सरकारी सुरक्षा या वहाँ पर सरकारी अमले के साथ आपने दौरा किया? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं। और जैसे आपने बताया डाउनटाउन जैसी जगह पर जाना, अगर आप जाते हैं तो लोगों को भिदकाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, ऐसा कोई तामझाम लेकर हम लोग नहीं गए थे। और पहले भी मैं गया हूं, और साउथ कश्मीर के जो एरिया हैं, बुरहान वानी का जो इलाका है, अनंतनाग और शोपियां का इलाका है, मैं सारा उन जगहों पर गया हूं। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूँगा कि आतंकवादी ये लड़ाई हार रहे हैं, इसका संकेतक एक ये है कि सेना और सशस्त्र बलों ने कोई गोली नहीं चलाई होगी, मगर जो 5 जाने गई हैं वो उकसावे की कार्रवाई में अलगाववादियों की तरफ से गई हैं। और सेब की खरीद के मौसम में जब सरकार 800 करोड़ और उससे 8,000 करोड़ का जो पैकेज दे रही है कि खराब सड़ा हुआ सेब भी 8-10 रुपए अतिरिक्त लगा के लेंगे, ऐसे में सेबों की ढुलाई वाले ट्रकों को रोकना, उन ट्रक चालकों की जान ले लेना, अगर ये काम करते हुए लोग देखते हैं तो एक समय के बाद आप ये देखिए ये लंबा चलने वाला नहीं है, ये उद्योग का काम धंधे का सीजन है। अगर वो इस समय स्पॉइलर प्ले करते हैं तो ये इनके हारने की बहुत बड़ी शुरुआत हम कह सकते हैं, यही मौसम तय करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कविंद्र दीजिएगा। आदिल और जुनैद जो मुझे निषाद बाग में मिले, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ के निकल चुके हैं, उनको रोजगार जरूरी है, और दिल्ली में उनकी बात हम लोग बैठ के कह रहे हैं, हम लोग जो सुन रहे हैं ये सारी बात उनसे भी कह के आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कश्मीर में क्या हालात हैं, जमीनी हकीकत क्या है, और दिल्ली में या फिर किसी भी शहर में बैठकर जब हम खबरों में उसे देखते हैं तो उसमें कितना बड़ा फर्क है, उसमें कितनी समानता है। आज इतना ही, नमस्कार।